नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और मैं मौजूद हूं लखनऊ में। राजनाथ जी, आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अब चुनाव है, आप उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, तो हवा किसकी दिख रही है? अरे साफ है, हवा का रुख साफ है। अरे हवा का रुख ऐसा है कि एकदम बिल्कुल इतनी तेज है हवा कि किसी को संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अखिलेश कह रहे हैं बीजेपी साफ है, इस बार योगी नहीं आ पाएंगे। नहीं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल हो रही है। लेकिन विरोधी आरोप ये लगाते हैं कि आप लोगों ने वादे पूरे नहीं करे, अब किस मुंह से जा रहे हैं अब चुनाव के अंदर? मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के आरोप लगाने के पहले चार बार उन्हें सोचना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ 2014 यानी 2014, 2019 के भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को निकाल कर देखें, और 2017 के भी, उत्तर प्रदेश के भी इलेक्शन मैनिफेस्टो को निकाल कर देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ शायद कोई चीज शेष बची हो। मैं जो कहा था हम लोगों ने वो सब कुछ पूरा किया है। एक एक काउंटर क्वेश्चन ये बनता है कि हमने हर चुनाव के अंदर एक माहौल देखते हैं कि किसी के पक्ष में माहौल बन जाता है और सरकार वो चलाता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पीपल हो जाता है, यानी लोगों के भीतर हो सकता है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में भी आपकी सरकार थी, गोवा में भी आपकी सरकार है अभी फिलहाल, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो क्या आपको लगता नहीं है, मणिपुर में भी आपकी सरकार है, क्या आपको लगता नहीं है कि उसका एक डिसएडवांटेज है बड़ा? 2014 में मोदी जी की सरकार थी, 2019 में चुनाव हुआ, पर वो तो नरेंद्र मोदी। नहीं, सुनिए, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, प्रो इनकम्बेंसी थी। तो उत्तर प्रदेश की भी यही हालत है, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी। फिर अखिलेश यादव को क्यों लग रहा है कि इस बार बीजेपी के बूथों पर, जो चुनावी बूथ होते हैं उसमें भूत नाचेंगे, उन्होंने ये बयान दिया? अब पता नहीं, हमारी समझ के परे है कहाँ भूत आ गया उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने एक मुझे इंटरव्यू दिया, जब मैंने उनसे पूछा कि अखिलेश जी कितनी सीटें आ रही है, उन्होंने बोला 403 में से 400 हमारी आ रही है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। पर सपने में तो उन्हें भगवान कृष्ण आए, उन्होंने बोला उनकी सरकार बनेगी। नहीं, जो चुनाव होता है, जब व्यक्ति संकट में रहता है तो बहुत सारे लोग सपने में आते हैं, लेकिन जो सपने में आते हैं वो उबार नहीं पाते संकट से। इस सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, इस समय हम लखनऊ के अंदर हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले के दो राउंड, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, किसान एक फैक्टर था, क्योंकि आप देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे अटल जी की रिजीम के अंदर, और किसानों के साथ आपका नाता है। क्या आपको लगता है किसान आंदोलन का नुकसान हुआ है आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। जैसा आकलन लगाया जा रहा था, देखिए किसान आंदोलन लंबा चला है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भरपूर कोशिश हम लोगों की तरफ से हुई कि कृषि संबंधित जो तीनों कानून हैं इसके बारे में लोगों को समझाया जाए। कुछ लोगों से हमारी प्रत्यक्ष किसान नेताओं से बात हुई थी और मैंने कहा कि किन क्लॉजेज में, इस एक्ट के किन क्लॉजेज में आप संशोधन चाहते हैं, आप बतलाइए, हम लोग उस पर विचार करके संशोधन करने को भी तैयार हैं। लेकिन ऐसा कोई सुझाव नहीं आया। स्वाभाविक रूप से आंदोलन चलता रहा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की संवेदनशीलता का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मोदी जी ने करिश्माई काम कर दिया है, एकाएक सुबह उठना, तीन के तीनों कानूनों को वापस लेना, क्यों? तर्क भी दिया कि मैंने भरपूर कोशिश की है कि अपने किसान भाइयों को हम समझा सकें, लेकिन कुछ किसान भाइयों के अंदर इस तीनों कानून को लेकर जो गलतफहमी थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि तीनों कानूनों को फिलहाल हम वापस करते हैं। जी, मैं बढ़ता हूँ आगे। आप कहते हैं बीजेपी विकास का नाम लेके जा रही है चुनाव के अंदर, लेकिन चुनाव में हम बयान सुनते हैं तो कई बार कोई लोग दंगों की बात करते हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी दंगों की बात होती है, अब्बाजान, जिन्नावादी, परिवारवादी की बात होती है, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो शब्दों का संतुलन राजनीति में बिगड़ गया है? नहीं, वैसे कहीं भी हो शब्दों का संतुलन तो सबको मनाकर रखना चाहिए। अब किन संदर्भों में क्या बात कही गई है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं वैसे एज ए होल ये मैं मानता हूं कि सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी के लोग शब्दों का संयम और संतुलन ये बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी को जिन्नावादी पार्टी कहा जाता है। नहीं, वो जिन्ना का नाम उन्होंने ले लिया था, क्या जरूरत थी जिन्ना का नाम लेने की? पर उन्होंने तो एक बार ही लिया, बीजेपी ने 100 बार ही ले लिया। अरे भाई, निकल गया उनके मुंह से ना, माने दिल की बात जुबां पर आ गई।
क्योंकि आप देश के रक्षा मंत्री भी हैं, अहमदाबाद ब्लास्ट केस में अभी फांसी की सजा हुई है और योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में रहने वाले आतंकी के पिता की समाजवादी पार्टी से गहरे संबंध है कि अब बात कही है, एक फोटो भी रिलीज किया है। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ उनके खासतौर पर जो आतंकवादी के पिता थे उसकी फोटो को भी उसका जिक्र किया है, बीजेपी के कई नेताओं ने नेशनल लीडर्स ने उसका जिक्र किया है, क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे कुछ नहीं कहना है, जो भी किया होगा उन्होंने तथ्यों के आधार पर किया है, क्या बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के आतंकी के पिता से रिश्ते हैं, समाजवादी पार्टी के आतंकी के पिता वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास तो इंटेलिजेंस की भी जानकारी आती रहती है और प्रत्यक्ष भी उन्होंने जानकारी हासिल की होगी। मैं समझता हूं उन्होंने जो भी कहा है वो तथ्यों के आधार पर ही कहा होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आतंकियों के निशाने पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी थे और कोर्ट ने कहा कि मोदी का भाग्य अच्छा था और वो बच गए। ये बात सही है, कोर्ट ने यह बात सही कही है। जी जी, कोर्ट ने यह बात सही कही है। नहीं, इस देश की कितनी बड़ी क्षति हुई होती आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। जो व्यक्ति उस समय गुजरात का मुख्यमंत्री था, पॉपुलर मुख्यमंत्री था, बाद में देश की जनता ने उसको बिल्कुल अपने हथेली पर ले लिया, देश का प्रधानमंत्री बनाया और आतंकवादियों के टारगेट पर वह थे, यदि कुछ हो गया होता तो मैं समझता हूं कि देश की बहुत बड़ी क्षति होती, अपूर्णीय क्षति होती। चलिए मैं बात कर लेता हूं अब पंजाब की, और क्योंकि पंजाब की जब मैं बात करता हूं तो प्रियंका गांधी वाड्रा साथ खड़ी थी, चरणजीत चन्नी सीएम बोल रहे थे, उन्होंने यूपी और बिहार के भाइयों पर जो बात बोली बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। पंजाब के मुख्यमंत्री मिस्टर चन्नी यह कह रहे हैं कि यहां से उत्तर प्रदेश और बिहार के भाइयों को वापस करो और वहीं पकड़ी होकर प्रियंका जी जो तालियां बजा रही हैं। इसीलिए तो हम लोग कहते रहे हैं ना, कांग्रेस की बराबर यही नीति रही है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। आपको दुख हुआ सुनके? बहुत दुख हुआ। तकलीफ इस बात की भी हुई कि ये लोग बड़े बड़े नेता अपनी राजनीतिक पार्टियों को बनते हैं और इस प्रकार की बात यदि कोई कह रहा है तो खड़े होकर जो तालियां बजा रहे हैं लोग। क्या आपको लगता है कि पंजाब के वोटर को एक मैसेज देने के लिए कोशिश की गई? अरे ये कोई तरीका नहीं है मैसेज देने का, चाहे कोई कहीं का हो, किसी भी कॉर्नर का हो, इस देश के सभी एक हैं, भारतीय हैं। जब चरणजीत कोई कहीं जा सकता है, कहीं भी रह सकता है। जम्मू कश्मीर को भी स्पेशल स्टेटस था, उसको भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब कोई जम्मू कश्मीर जाकर रहना चाहता है रह सकता है, जम्मू कश्मीर वाला आकर इधर रहना चाहता है रह सकता है। कर्नाटक में एक हिजाब का विवाद शुरू हुआ और उसको लेकर पूरे देश में प्रतिक्रिया आई। न्यायालय के फैसले की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए, अनावश्यक बयानबाजी इस पर नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट क्या आपको लगता कि ये यूपी इलेक्शन के लिए जानबूझकर विवाद खड़ा किया गया? इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। अब प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों सिख धर्म के कुछ प्रोमिनेंट लोगों से, कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिले, अफगानिस्तान से जो सिख आए हुए हैं भारत, उनसे भी उन्होंने मुलाकात करी और उन्होंने कहा कि मेरे खून में सिक्की है, सिक्खी और सेवा है, सिखों के लिए मैं दिल से काम करता हूं। क्या कहना चाहते? बिल्कुल सही कहा। जो भी भारत के इतिहास को जानता होगा वह निश्चित रूप से यह बात बोलेगा, और मैं जानता हूं भारत की संस्कृति की रक्षा करने में पंजाब की धरती और खालसा पंथ ने जैसी भूमिका निभाई है उसको यह देश कभी भूल नहीं सकता। और मैं समझता हूं कि जन जन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, और इतना ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान रहा है। आप गुरु गोविंद सिंह जी, उनके चारों गुरुपुत्रों ने जिस तरीके से बलिदान दिया है, क्या देश उसे कभी भूलेगा? गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दिया लेकिन भारत माता का मस्तक नहीं झुकने दिया। बीजेपी का मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, मोदी जी ने जो कहा है, बीजेपी और सिखों का क्या रिश्ता है? बहुत गहरा रिश्ता है, और केवल सिखों का नहीं, हमारा सबके साथ गहरा रिश्ता है। लेकिन सिख कौम का कंट्रीब्यूशन हम उसे कभी नहीं भूल सकते, लेकिन वो हमारे सिर माथे। क्योंकि जब किसान आंदोलन हुआ तो बीजेपी का और सिखों का रिश्ते को खराब करने की पूरी कोशिश हुई जब किसान आंदोलन हुआ। ये तो भाईचारे को तोड़ने की कुछ ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, बाहरी ताकतें, उनके द्वारा भरपूर कोशिश हुई। लेकिन देखिए, सिख समुदाय और इस हिंदू समाज अथवा भारतीय समाज का यह रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, या टूट है।
क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं तो हिंदू हूं, मैं कह रहा हूं ना सिख समाज को सचमुच हमसे कोई पूछे तो मैं तो बड़ा बड़ा भाई मानता हूं। बहुत जी, मैं तो सिख भाई को बड़ा बड़ा भाई मानता हूं। परिवार का ही एक सदस्य जो सिख होता था और एक सदस्य हिंदू रहता था, यही परंपरा थी। और मैं ये भी बतलाना चाहता हूं कि उनके सिख समाज का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस भारतीय संस्कृति को बचाने में वो अनपैरेलल है, अतुलनीय है। और मैं तो सच्चाई, हमसे यदि कोई पूछे तो स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो मैं स्वर्ण छत्र लगा हुआ है उसकी जो चमक देखता हूं तो उसमें हमको भारतीय संस्कृति की चमक दिखाई देती है। और भारतीय संस्कृति की जो चमक दिखाई देती है उसको बनाए रखने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो सिख समाज का है, पंजाब की धरती का है और खालसा पंथ का। अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उनके पुराने साथी कुमार विश्वास जो कि जाने माने कवि हैं, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर आप क्या बयान क्या कहना चाहते हैं? अब कहा होगा तभी ना उन्होंने कहा है। यदि इस प्रकार की थिंकिंग है तो एंटी नेशनल है, ऐसी थिंकिंग राष्ट्र विरोधी सोच के अतिरिक्त इसे कुछ और नहीं कहा जा सकता। बहुत गंभीर बात है। बीजेपी ने तो आपका नाम दे दिया एंटी अरविंद पंजाब। आम आदमी पार्टी का बीजेपी ने नाम दे दिया अरविंद एंटी पंजाब। सर, अब लगता तो यही है, अब इस प्रकार के स्टेटमेंट यदि दे रहे हैं जी, क्योंकि आप देश के रक्षा मंत्री हैं तो दो सवाल जरूर बनते हैं। जो राहुल गांधी बार बार चाइना को लेकर बयान देते रहते हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं राजनाथ जी? वो बार बार कहते हैं कि सीमा के अंदर घुसा हुआ है चीन। ओफ, ओ, क्या कहें, उनको बहुत ही तकलीफ होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और आरोप प्रत्यारोप भी नहीं होने चाहिए। और मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं करने पाएगा, आश्वस्त रहें। उन्होंने गलवान घाटी में भी जो संघर्ष हुआ उसके बारे में कैसा बयान दे दिया कि चीन के सेना के जवान कम मारे गए, भारत के अधिक मारे गए। लेकिन आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के क्लक्सान अखबार ने क्या लिखा है, ठीक इसका उल्टा लिखा है, चाइना के इतने लोग मारे गए। इस पर एकदम बिल्कुल उनकी जुबान बंद हो गई, बोले ही नहीं। हमारे देश की सेना के शौर्य पराक्रम साहस पर सवालिया निशान लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर उन्होंने सदन में राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। उन्होंने तो संसद में कहा कि केंद्र की नीतियों के चलते चीन और पाकिस्तान एकजुट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार जो है वो खतरे से खेल रही है। वाह वाह वाह, क्या पूछना। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस समय पाकिस्तान ने सख्त गांव घाटी चीन के हवाले की थी, जबकि शख्सगाम घाटी पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा था, उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे। इतना ही नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में काराकोरम हाईवे जो बना है वह चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के कारण ही बना है। उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यह बनना शुरू हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मैं इतना ही कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि राहुल जी को जरा समझाइए, यदि उसे प्राचीन इतिहास की जानकारी नहीं है तो कम से कम आजाद भारत के इतिहास की जानकारी तो उनको एक बार दे दीजिए, अथवा उनको कह दीजिए कि एक बार अध्ययन तो कर ले, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, एक 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 बात बताइए कि चाइना से अब हमारी रिश्ते हमारे कैसे हैं, और अब जो सारे मैटर से गलवान हो गया या बाकी विषय हो गए, क्या वो अब सॉल्व हो चुके हैं या अभी बाकी हैं? देखिए, ऐसा है कि बातचीत का दौर अभी चल रहा है जी। कुछ ऐसे मुद्दे केवल इसी समय के मुद्दे नहीं है कि गवर्नमेंट आई है, उस समय के पहले के भी कुछ मुद्दे जिन पर के भी बातचीत का सिलसिला चल रहा है, और कोशिश यही है कि बातचीत के द्वारा उसका समाधान हो जाए। नहीं होगा, देखेंगे क्या करना। एक अगला सवाल मेरा यह कि अरुणाचल प्रदेश के एक युवक को चीन की आर्मी ने बंधक बनाए जाने की एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई, हालांकि रिहाई से पहले राहुल गांधी का कुछ और बयान था, रिहाई के बाद कुछ और बयान आया। क्या आप कहना चाहते हैं, क्योंकि फिर उन्होंने भाई एंड में बोला कि चलिए मीरम तौरान तो चीन से वापस लौट आया, ये जानकर तसल्ली हुई जिस मातृभूमि पर चीन ने कब्जा किया है वो कब का वापस मिलेगी प्रधानमंत्री? कब 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 का कब्जा किया है? 59 के पहले वाली बात कर रहे हैं कि कब की कर रहे हैं?
पहले उनको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। चाइना को लेकर राहुल गांधी का जो ऑब्सेशन है ये क्यों है? या जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं जी, आप ये बताइए 59 के पहले की बात कर रहे हैं, 59 के बाद की बात कर रहे हैं? कब कब क्या किया है, क्या किया है, क्या कर रहे थे वो? 55 तक उन्होंने हुकूमत की है हिंदुस्तान में, कम से कम बोलने के पहले कुछ तो कम से कम दिमाग लगाने की कोशिश करनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए। केवल बोलना है इसलिए जो मन में आए बोल दे, ये कोई तरीका नहीं है। और भी राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर, और आप देखिए इसीलिए सारे सीनियर कांग्रेस के लीडर छोड़ छोड़कर इनको जा रहे हैं। कोई भी सुलझा हुआ नेता, संजीदा नेता कांग्रेस में बचा नहीं है, अब धीरे धीरे सब जा रहे हैं, जो बचे भी हैं थोड़े बहुत वो भी चले जाएंगे। राहुल गांधी का ऑब्सेशन चाइना के साथ क्यों है इतना, आपको क्या लगता है? कुछ आप तो संसद में उनको बहुत समय से देख रहे हैं। जो मन में आ गया सरकार के खिलाफ बोलना है, बोलते समय इस बात की सावधानी नहीं बरतते कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि गलत है। और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं उस पर हम लोगों को प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देश उनके ऊपर यकीन करता ही नहीं है, जानता है कि ऐसे ही है, अनाप शनाप की बयानबाजी करते रहते हैं। जी, मैं यूक्रेन की बात कर लेता हूं। यूक्रेन और रूस को लेकर जो विवाद चल रहा है, भारत के संबंध और संबंध अमेरिका और रूस दोनों से हैं, इसको आप कैसे आंकते हैं और इसका भारत पे क्या असर है? नहीं, ऐसा है कि हम तो यही चाहते हैं कि आपस में बातचीत के द्वारा ही समस्या का समाधान निकलना चाहिए, बेहतर स्थिति वह होगी। भारत कहां खड़ा है इस पूरे घटनाक्रम में? भारत को जहां रहना चाहिए अभी भारत वहीं है जी। इसका इंपैक्ट हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ कुछ पड़ सकता है? देखिए, युद्ध दो देशों के बीच भी जब होता है तो स्वाभाविक रूप से कूटनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो उसके कई प्रकार के असर तो होते ही हैं जी। क्योंकि ये सवाल उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूं कि जिन लोगों के बच्चे परिवार यूक्रेन में इस समय फंसे हुए हैं, हालांकि एक मिशन जरूर चल रहा है, लेकिन उनको आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो धैर्य रखें, भारत के संज्ञान में सारी चीजें हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। उनको भारत वापस आने की प्रक्रिया में और तेजी आएगी क्या? हाँ, बिल्कुल आएगी, आएगी। आखिरी सवाल, समय के साथ वो सब कुछ होगा। आपने देखा कोरोना के संकट में कितना प्रभावी कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाया था, सारा का सारा सिस्टम लग गया था, जो लोग बाहर थे जो आना चाहते थे भारत उनको लाने के लिए। आखिरी दो सवाल है कि पुलवामा की बरसी थी और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर इस बार एक नए व्यक्ति ने सबूत मांगा और वो थे टीआरएस के चीफ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री। सबूत मांगने में काफी देर की उन्होंने, पहले क्यों नहीं मांगा? ये इतने दिनों के बाद, हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, तो इतने दिनों के बाद क्यों, 5 साल के बाद क्यों जगे है ये? क्या पहले कन्विंस थे, अब कन्विंस नहीं है? वो आपको क्यों लग रहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री आपके खिलाफ क्यों हो गए? देखिए, किसी के साथ हमारी नाराजगी है, किसी के साथ प्रसन्नता है, इस आधार पर राष्ट्रीय मुद्दों पर वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरी सवाल, और ये लोगों के सामने कई वीडियो क्लिपिंग्स थी, इस लोगों के सामने था कि हमारे बहादुर सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की है कि नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा, उन्होंने बोला कि जो सबूत मांगा गया है वो भी ठीक है, मतलब सबूत तो दे देना चाहिए भारत की सरकार। वो सब सारी क्लिपिंग वगैरह चलती रही। आखिरी सवाल है मेरा, सीडीएस विपिन रावत का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया, हमारे बीच नहीं रहे, नए सीडीएस को लेकर कब तक ऐलान हो सकता है? जल्दी नियुक्ति होगी, क्योंकि काफी समय हो गया। नहीं, काम रुका नहीं है, किसी काम में कोई बाधा नहीं है, लेकिन जनरल बिपिन रावत के न रहने से हमारी बहुत बड़ी क्षति हुई है, इसे तो मैं मानता हूँ, लेकिन सीडीएस की नियुक्ति होगी जल्दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ जी, लेकिन आखिर में चलते चलते उत्तर प्रदेश में नंबर कुछ देना चाहेंगे आप? नंबर मुझे लगता है कि 2017 के चुनाव में जो रहा है कमोबेश नंबर वही होगा सीटों का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ जी हमें समय देने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।